शुगर की बीमारी दो तरीके की हो सकती है, जिसको कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं या टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। टाइप 1 जो होती है वो बच्चों में होती है, टाइप 2 बाद में होती है और वो किसी भी एज में हो सकती है। बच्चों में जो बीमारी होती है उसका मतलब ये होता है कि उन बच्चों में इंसुलिन बन ही नहीं रही, उनमें जन्मजात ये रोग होता है कि उसमें इंसुलिन बनाने की सेल्स ही डेवलप नहीं हो पाती, तो इसलिए उनमें सिर्फ बाहर से इंसुलिन देना ही एक उपाय रह जाता है। बच्चों में इस बीमारी का पता तब लगता है जबकि उनमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है या वो बहुत ही खराब कंडीशन में हॉस्पिटलाइज होते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट कराना उनको पड़ता है।